कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप वीवो T1 प्रो मोबाइल में फिंगरप्रिंट ऐप लॉक लगा सकते हैं, यानी कि ऐप लॉक में फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ ऑप्शन मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल रहा है, तो सिंपली आपको सिक्योरिटी पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको नीचे की तरफ आना है प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन पर, तो इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपको अपना पासवर्ड बना लेना है ऐप लॉक का। पासवर्ड बनाने के बाद आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सारे के सारे ऐप्स आ जाएंगे, इनमें से जिसको भी आप लॉक करना चाहते हैं उसको लॉक कर लीजिए। उसके बाद आपको फिंगरप्रिंट कैसे ऐड करना है, यानी कि ये ऐप्स आपके लॉक हो चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रोम को मैंने लॉक किया है, तो क्रोम को ओपन कर रहा हूँ, तो देखिए लॉक मिल रहा है, लेकिन अभी इसमें फिंगरप्रिंट ऐड नहीं है। तो फिंगरप्रिंट ऐड करने के लिए फिर से आपको सेटिंग में जाना है और सिक्योरिटी में चले जाना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट, तो आपको फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको अपना पैटर्न डाल देना है। पैटर्न डालने के बाद गाइस यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है फिंगरप्रिंट अनलॉक मेथड, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सॉरी गाइस आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन, इसको इनेबल करना है। इसको इनेबल करने के बाद आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, और पासवर्ड डालने के बाद ये आपका फिंगरप्रिंट भी लग जाएगा आपके ऐप लॉक में। तो आप जो भी ऐप को ओपन करोगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर फिंगरप्रिंट मांग रहा है, फिंगरप्रिंट दे दोगे तो ये जो है ओपन हो जाएगा।